आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 से कबल भारतीय मीडिया ने अपने ही बैटर्स को दरपेश चैलेंजेस से मुतालिक इंकशाफ किया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम के बैटर्स को बाएं हाथ के फास्ट बॉलर्स को खेलने के चैलेंज दरपेश हैं। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के अलावा भी दीगर टीमों के फास्ट बॉलर्स भारतीय बैटर्स को परेशान करेंगे। इससे कबल शाहीन शाह अफरीदी और मिचेल स्टार्क के साथ ट्रेंट बोल्ट भी भारतीय बैटर्स को परेशान कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय बैटर्स दुबई और मेलबर्न में शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग को नहीं भूले। बाएं हाथ के मोहम्मद आमिर ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारतीय टॉप ऑर्डर को परेशान करना शुरू किया था। भारतीय टॉप ऑर्डर बाएं हाथ के फास्ट बॉलर्स के सामने एतमाद का शिकार नहीं नज़र आते। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट 2019 के सेमीफाइनल में भारतीय बैटर्स के लिए परेशानी का बायस बने थे। शाहीन अफरीदी, ट्रेंट बोल्ट और मिचेल स्टार्क के अलावा दीगर बॉलर्स भी परेशानी का बायस बन सकते हैं। इंग्लैंड के रेस टॉपले और बांग्लादेश के शरफुल इस्लाम भी भारतीय बैटर्स के लिए चैलेंज होंगे। इंग्लैंड के सैम करन और साउथ अफ्रीका के मार्को जेसन भी टॉप ऑर्डर के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। फास्ट बॉलर्स ने भारतीय टॉप ऑर्डर को पहले भी स्विंग और यॉर्कर्स की मदद से माजी में परेशान कर रखा है। इस बारे में आप सबकी क्या राय है, जो कि भारतीय मीडिया ने अपने टॉप ऑर्डर की कमजोरियों को इस तरह खुलकर बता दिया है, इससे क्या टीम इंडिया को कोई नुकसान होगा या फिर नहीं? हमें अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। क्रिकेट से जुड़ी मजीद खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल आजकल को। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।